वेलकम टू द चैनल। आज 28 अगस्त आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन आपने आंसर करना है, रिसेंटली एशिया पैसिफिक ग्रुप में FATF ने किसी कंट्री को ब्लैकलिस्ट किया, तो आपको बताने की कौन सा कंट्री है जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया अभी हाल ही में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आज मैंने MCQ फॉर्मेट में लिए, जैसे आप सबको पसंद है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G7 समिट 2019 जो अभी ब्रियार्स फ्रांस में हुआ, हमारे मोदी जी गए हुए थे, इंडिया को स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इसका थीम क्या रखा गया था 2019 का। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इसका फाइटनिंग इनइक्वालिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिट था, मोदी जी की मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ, देखो मेरे यहाँ पिक्चर भी आपके सामने रखी है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी रिलेटेड टू आर्टिकल 370 एंड 35 से जो विवाद चल रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो उसके रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी एंड काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग रही। तो बस ये याद रखना कि कहाँ पे हुआ G7 समिट 2019 का, हुआ जी फ्रांस में, ब्रियार्स फ्रांस में। एंड इस बारी का थीम क्या था, फाइटिंग इनइक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट विच मंथ एज द मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, तो कौन से मंथ को एज ए मंथ ऑफ न्यूट्रिशन सेलिब्रेट किया जाएगा, मोदी जी ने ऐसी अनाउंसमेंट की है। करेक्ट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। सितंबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाएगा एज द मंथ ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ शेयर करूँ, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी टाइम से बंद चल रही है, इसी वजह से वीडियोज़ भी टाइम पर नहीं आ पा रहे। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एश्योरेंस दिला दूँ, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा मैं, चाहे एक दिन बाद मिल जाएगा, बट डोंट नीड टू वरी, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। एंड वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं इसको शेयर करो, एंड वीडियो अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर जरूर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नेक्स्ट करते हैं, हु लॉज द हेरिटेज पोस्टल स्टैप ऑफ बांद्रा स्टेशन ऑन द कम्पलीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ रेलवे स्टेशन, 150 साल इसके पूरे हो गए जी बांद्रा रेलवे स्टेशन जो मुंबई में है, तो एक स्पेशल हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ की गई। तो आपको बताना है कि दिस वॉज लॉन्च्ड बाय, आपने पिक्चर से तो पहचान लिया इनको। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। शाहरुख खान द्वारा इस स्पेशल हेरिटेज पोस्टल स्टैम्प को रिलीज़ किया गया ऑन द कम्पलीशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ बांद्रा रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई। ओके, याद रखेगा। Then who has been chosen for eminent engineer award for the year 2019 for his, by the Institution of Engineer India, like यानी कि इनके contribution को देखते हुए in the field of engineering and technology इन्हें सम्मानित किया जाएगा engineer of the year award 2019। तो आपको बताना इनका नाम क्या, 15 सितंबर को ये अवार्ड दिया जाएगा जिस दिन इंजीनियर डे होता है जी। इनका नाम है प्रभाकर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ई श्रीधरन सबको पता होना चाहिए, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम भी आपको याद रखना है। द करेक्ट आंसर इज प्रभाकर सिंह, जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा इंजीनियर of the year to award 2019। okay, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, where did chief of air staff chief marshal BS धनुआ embark on a 3-day visit in august 2019। 26 अगस्त को ये रवाना हो गए जी। ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हुए, तो ये गए हुए जी थाईलैंड। ओके, थाईलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने वाली है, थाईलैंड गए हुए हमारे BS धनुआ। याद रखिएगा, एयरफोर्स डे कौन सी डेट को होता है जी, बिल्कुल आपको पता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को होता है हमारा एयरफोर्स डे। ओके, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक एंड द करेंसी इज बाहत। विच कंट्री अवार्डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस, लाइक सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ जैद से भी सम्मानित किया गया था, आपको पता है UAE ने, अब ये मुस्लिम कंट्री बहरीन ने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे सर्वोच्च सम्मान किंग हमद ऑर्डर ऑफ रिनेसेंस से सम्मानित किया गया। कौन सी कंट्री द्वारा, ये आपको बताना है, बिल्कुल मैंने बता दिया, UAE, नॉट UAE, बहरीन। ठीक है, बहरीन के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया, एंड UAE ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जैद से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहरीन गए थे, UAE गए थे, एंड फ्रांस के तीन कंट्री की यात्रा पे गए हुए थे। ओके, याद रखिए, फ्रांस में G7 समिट हमारा 2019 का हुआ है। तो उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, व्हेन इज वुमेन इक्वालिटी डे ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है वुमेन इक्वालिटी डे। इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है, 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन इक्वालिटी डे। दिस इज क्लियर, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, 26 अगस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट डे वुमेन इक्वालिटी डे। लाइक प्रोग्राम्स होते हैं लाइक वुमेन की इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइक वुमेन को सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल इक्वल, लाइक इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका। लाइक आपको आज तो पता है कि लाइक मैन से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हमारी वुमेन्स ही कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं वुमेन्स इक्वालिटी डे। कौन सी डेट को, 26 अगस्त को। हाल ही में हमारी PV सिंधु ने हमारे देश का नाम काफ़ी अच्छा रोशन किया है। देन उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, हुज 109th बर्थ एनिवर्सरी वॉज कमेमोरेटेड ऑन 26 अगस्त 2019, तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जी इस दिन, ये आपको बताना है। वुमेन इक्वालिटी डे भी होता है इसी दिन,
बिल्कुल आपने पिक्चर पहचान ली है, इनकी नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1979 में, मदर टेरेसा। ओके, याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था इन्हें। रैगिंग फायर वॉज इनगल्फ्ड इन द रेन दिस रेन फॉरेस्ट विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, यानी कि काफ़ी बड़ी आग लगी हुई है जो पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन हमारा इन्हीं फॉरेस्ट से आता है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा फॉरेस्ट है। काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा इसके बारे में, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लगी हुई है एंड अराउंड लाइक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है एंड ब्राज़ील में अराउंड 60% ऑफ द आपको अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। ज़्यादा लाइक पार्ट इसका ब्राज़ील में ही है एंड अमेजोन में ही, याद रखना है कि अमेजोन फॉरेस्ट में काफ़ी बड़ी आग लगी हुई है एंड इसकी वजह से लाइक आप खुद सोचिए कि 20% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन, पूरे अर्थ का ऑक्सीजन 20% कंट्रीब्यूट करता है ये फॉरेस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको बुझाना, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी इन्वायरमेंट को ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, लाइक हमारा एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लाइक पूरी कोशिश चल रही है बट काफ़ी ज़्यादा आग फैली हुई है, इस पर कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। देन हमारे 10th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड बाय CBI इन द रिलेशन टू INX मीडिया करप्शन केस। इसका आंसर सबको पता है, यू नो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, पहले काफ़ी ज़्यादा छुप रहे थे ये, फिर उसके बाद CBI ने इन्हें अरेस्ट कर लिया बट अभी इनको फिर से इन्होंने रिमांड पर ले गया, मतलब फिर से इन्होंने अपनी अपील खारिज, लाइक इनकी अपील खारिज कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। लाइक ये जब बेल चाहते थे तो इनको फिर से, लाइक इनको CBI रिमांड में फिर से ले लिया गया फॉर 4 more days। तो इनका नाम क्या है जी, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, फाइनेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर भी रह गए थे, P. Chidambaram। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। सो डैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, उम्मीद करूँगा वीडियोज़ आपको अच्छे ज़रूर लग रहे हैं। आई नो कि यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स ऐड नहीं कर पा रहा, लाइक मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ऐड नहीं किए हैं ज़्यादा, आप सबको पता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं जो आपको बताता था। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट स्टिल यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वीडियोज़ अब इंटरनेट ना हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको, ऑब्वियसली बात आपको नेट से ही यूज़ करना पड़ता है, तो बट नेट ना हो तो प्रॉब्लम ज़रूर आती है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड उम्मीद करते हैं कि आज नेट चल जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, खासकर JNK के यूथ को, काफ़ी स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप खुद सोचिए कि इंटरनेट अगर 20-25 दिन से बंद हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एंड पढ़ाई में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। होप्स हो कि सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएँ, कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर का हालात सबसे जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाए, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा हमारा स्टेट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।